जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का एक बार फिर से विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। तो आज एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जाम एचपीपीएससी शिमला के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। लगभग 43,000 बच्चों के द्वारा ये एग्जाम दिया गया है। काफी मेहनत जो है वो बच्चों के द्वारा की गई थी। विजयपथ एजुकेशन हमेशा आपके साथ था, अभी भी है। तो जल्दी ही हम हिंदी का सेक्शन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। आप चेक कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही थे। तो सेक्शन हिंदी का हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज बी को हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो इंद्रिय गोचर हो वाक्य के स्थान पर सही शब्द जो है वो आपको चुनना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर ए, इंद्रिय। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट था, कौन सा शब्द मंगल का अर्थ नहीं है, मंगल का अर्थ नहीं है। तो देखिए उसका जो राइट आंसर है वो है मूल्यवान। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा शब्द समानार्थ नहीं है, समानार्थ शब्द नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास थर्ड का जो है वो रहेगा वो है धरित्री, धरित्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट था, कौन सा शब्द अशुद्ध है हिंदी का। काफी अच्छा सेक्शन यहाँ पे पूछा गया था, इंटरेस्टिंग था। तो देखिए अत्यधिक जो है वो शब्द नहीं होता है, अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है। उज्ज्वल सही लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा अशुद्ध रूप है आपको बताना। देखिए ज्यादातर एग्जाम में शुद्ध रूप पूछे जाते हैं, कौन सा सही है, यहाँ पे कौन सा गलत है ये आपसे पूछा गया। तो जग जमा नाथ, जगन्नाथ, ये जो है ऑप्शन सी इसका गलत आंसर रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके पास 11 हिंदी के सेक्शन से पूछे गए थे। उसके निम्न में से महाप्राण ध्वनि को जो है वो आपने चुनना था। महाप्राण ध्वनि कौन सी है, सिक्स्थ का जो है वो आपके पास राइट आंसर रहेगा फ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा विकल्प व्याकरण का मुख्य भाग नहीं है, व्याकरण का मुख्य भाग नहीं है। तो संधि जो है वो व्याकरण व्यवस्था में काउंट नहीं की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट था, कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए हिंदी का सेक्शन जो था उसमें आपसे 5 या 6 क्वेश्चन नहीं के केस में पूछे गए थे, कौन सा अशुद्ध रूप है, कौन सी संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द सही नहीं लिखा है, कौन सी संधि सही नहीं है। तो नहीं के केस में भी आपको जो है वो पहचान होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है कि भाव जो भाववाचक संज्ञा जो है वो कौन सी नहीं है, औदार्य, औदार्य जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है, आपको तद्भव को चुनना है। तो तद्भव जो है इसका जो राइट आंसर 9th का जो बिल्कुल सही इसका जो राइट आंसर है वो है कंगन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको नाभिक का पर्यायवाची नहीं है। देखिए फिर से नहीं की बात की गई है, तो नहीं, नाभिक का पर्यायवाची कौन नहीं है, तरणी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था हिंदी के सेक्शन का, शाश्वत का आपको बताना था विलोम शब्द। सही विलोम शब्द जो है वो नाशवान होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो अभी तक हमने जितने भी सेक्शन डिस्कस किए वो ऑलरेडी आपको यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया, आपके 70+ से ज्यादा जो है वो स्कोर जाए, मेरिट काफी हाई जाने वाली है। 43,000 बच्चों के द्वारा एग्जाम भरा गया था। मेरिट के ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।